हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले कि हम अपने रेडमी के फ़ोन में जो टैप साउंड होता है उस टैप साउंड को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो वैसे टैप साउंड मतलब जैसे हम देखिएगा इस इधर क्लिक कर रहे हैं जो हमारा टैप साउंड आता है, तो कैसे इसको हम डिसेबल करना है। तो पहले हमको माई सेटिंग को ओपन करना है। गाइस माई सेटिंग ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन दिखाई देता होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखा देता होगा गाइस, तो सिंपली यहाँ पे हमको क्लिक करना है। सिंपली ऐसा इंटरफेस आ चुका है गाइस, ऐसा इंटरफेस आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पर टैप साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस टैप साउंड को डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो मतलब टैप साउंड डिसेबल हो जाता है। तो वैसे आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करोगे तो हमारा साउंड नहीं आता। तो इस तरीके से आप टैप साउंड को डिसेबल कर सकते हैं अपने रेडमी के फोन में। तो गाइस आई होप कि आप हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। गाइस तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद और थैंक यू।